हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू माय चैनल एनजे मेडिकल्स. तो टुडे वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक दैट इज बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, और यू कैन से दैट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी ऑल्सो. दोनों ही सेम है. शॉर्ट में हम इसको बीपीएच भी बोलते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट, यू शुड नो द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड. क्यों? क्योंकि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ ना कुछ एबनॉर्मैलिटी हो रही है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या. तो प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स के अंदर मिलती है उनके यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे. इसका मेन फंक्शन क्या है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेल्स के अंदर यूरिन पास करने के लिए और सीमेन पास करने के लिए एक ही पाथवे होता है, दैट इज वन यूरेथ्रा, जो कि उनके पेनिस से होके जाता है. तो आपने नोटिस किया है कि जब यूरिन पास होता है उस टाइम पे उनका सीमेन आउट नहीं होता, या जब सीमेन आउट होता है उस टाइम पे उनका यूरिन आउट नहीं होता, दोनों में से कोई एक ही आउट होता है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोस्टेट ग्लैंड. इसी का फंक्शन है जो कि एक एक करके दोनों को चांस देता है आउट होने के लिए. तो जब मेल्स का सीमेन आउट होना चाहता है उस टाइम पे ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये आपके यूरिनरी ब्लैडर का जो माउथ है जहाँ से यूरिन बाहर आता है, उस माउथ को कंस्ट्रिक्ट कर देती है, क्लोज कर देती है. इस वजह से यूरिन बाहर नहीं आ पाता और आपका सीमेन बाहर निकल जाता है. और जिस टाइम पे यूरिन को बाहर आना होता है उस टाइम पे सीमेन बाहर ये नहीं दे लाने देती है. क्यों? क्योंकि सीमेन को एनर्जी, सीमेन को कह सकते हैं कि जो स्पर्म है उसमें सीमेन ऐड करने का काम ये प्रोस्टेट ग्लैंड ही करती है. तो जब तक ये स्पर्म के अंदर सीमेन ऐड नहीं करेगी तो स्पर्म सीमेन के साथ बाहर नहीं आ पाएंगे. तो देखा जाए तो ये दो इम्पॉर्टेंट काम करती है. पहला कि ये दोनों में से किसी एक को बाहर निकालने में हेल्प करती है. दूसरा कि ये स्पर्म को सीमेन से ऐड कराती है. सीमेन एक तरह का वाइट कलर का लिक्विड होता है जो कि स्पर्म के साथ बाहर निकलता है, जिसकी वजह से स्पर्म फास्ट और फ्लो में बाहर निकल पाते हैं पेनिस से. ओके, सो इसी प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से इसके अंदर एनलार्जमेंट हो रहा है, यानी कि इसके अंदर इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. अगर इस प्रोस्टेट ग्लैंड को कट करते हैं तो इसमें हमें मेनली जो इम्पॉर्टेंट टू जोन्स हैं उनकी बात हम करेंगे. यहाँ पे मेनली हमें टू जोन्स देखने को मिलते हैं. फर्स्ट इज ट्रांजिशनल जोन, जो कि बीच का पोर्शन है. आपको ये मैं दिखा दूँ, दिस इज अ मिडल वन. ये वाला जो पोर्शन है ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ ट्रांजिशनल जोन, येलो वाला. अब इसको कलर कर देते हैं. ये है आपका ट्रांजिशनल जोन पूरा. साथ ही साथ इसके आसपास का जो एरिया है जिसको हम पेरिफेरल जोन बोलते हैं. तो पेरिफेरल जोन, ये आपको जितना भी ग्रीन कलर का एरिया आपको दिख रहा है, लाइट ग्रीन कलर का, ये पूरा आपका पेरिफेरल जोन है. ये पूरा आपका, ठीक है, ये पूरा आपका पेरिफेरल जोन है. सो प्रॉब्लम होती क्या है कि कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस अंदर हो रहे हैं जिसकी वजह से ये जो अंदर का ट्रांजिशनल जोन है, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का ट्रांजिशनल जोन है, उसके अंदर स्वेलिंग आने लगती है. उसके जो सेल्स हैं वो अपना साइज और अपने आप को, अपना शेप को बढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है. चलिए देख लेते हैं. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, कहाँ पे होती है सिचुएटेड, क्या फंक्शन करती है, और इसके अंदर के कौन से जोन में प्रॉब्लम आ रही है. आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा. इस डिजीज के लिए इतनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी सफिशियंट है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोडक्शन पार्ट. तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं. तो बिनाइन मीन्स होता है नॉन कैंसरस. ऑब्वियसली हम जानते हैं कि कैंसर दो तरह के होते हैं, एक बिनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट. मैलिग्नेंट मीन्स होता है कि फैलना. बिनाइन मीन्स होता है कि अपनी ही जगह पे रहना, ठीक. तो बिनाइन वो सेल्स हैं जो कि नॉन कैंसरस, यानी कि इधर उधर फैलते नहीं है. तो यहाँ पे बिनाइन सेल्स आ रहे हैं, यानी कि नॉन कैंसरस सेल्स आ रहे हैं. कहाँ पे आ रहे हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर आ रहे हैं. जिसमें हो क्या रहा है? हाइपर मीन्स होता है एक्सेस, प्लेजिया मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ दी सेल्स. तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एक्सेस सेल्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बिनाइन सेल्स में कन्वर्ट करते रहे. एक तरह से देखा जाए तो ये कैंसर नहीं है, लेकिन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स तो हो रही है.
इसको हम और भी नेम से जानते हैं, जैसे कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं, और इन शॉर्ट बहुत कॉमन है, डेट इज़ BPH। सो मेल में ही ये ग्लैंड होती है, डैट्स वाई ये मेल्स में ही मिलेगी आपको प्रॉब्लम, फीमेल्स में नहीं मिलेगी। यूरोलॉजिक प्रॉब्लम इसलिए बोला गया है क्योंकि ये आपके यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और कहीं ना कहीं ये आपके यूरिनरी ब्लैडर का पाथवे ब्लॉक कर देगी। ऑब्वियसली जब ये अपना साइज बढ़ा देगी, ये अगर साइज बढ़ाएगी तो ये ऊपर से भी अपना साइज बढ़ाएगी, साइड से भी बढ़ाएगी, नीचे से भी बढ़ाएगी, ठीक है। तो एक तरह से क्या करेगी, ये यूरिनरी ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट कर देगी, उसके पाथवे को रोक देगी, जिसकी वजह से यूरिन आपका बाहर नहीं निकल पाएगा और आपको यूरिनरी प्रॉब्लम हो जाएगी। सीवियरिटी इसकी काफ़ी हद तक सीवियर हो सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऑब्वियसली डिस्टर्ब करेगी। क्यों? क्योंकि जब आप यूरिन पास नहीं कर पाओगे और बहुत कम यूरिन पास होगा तो आपके किडनी पे भी इफेक्ट आएगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर पे भी कह सकते हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है, और आपको UTI भी हो सकता है। इंसिडेंस रेट 50 से 70 ईयर के लोगों को ये ज़्यादा असर करती है। अगर स्टडीज़ के बेसिस पे देखा जाए तो 50 से 70% लोगों 70 ईयर्स के लोगों के बीच में ये केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एज की वजह से क्या होता है कि अंदर की जो हार्मोन है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहे हैं, और हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ही सेल्स के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। कौन से हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं अभी। ये आपको नोट्स के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो देख लेते हैं कि क्या मैकेनिज्म चल रहा है जिसकी वजह से ये जो डिजीज़ है वो क्रिएट हो रही है। नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्मल फिनोमेना है हमारा, हमारा जो हाइपोथैलेमस यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो एक तरह का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्रिएट करता है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। देखो ब्रेन के अंदर एक तरह की छोटी सी मटर के दाने के बराबर ग्लैंड होती है, मान लो ये आपका ब्रेन है, मान लीजिए ये आपका हाइपोथैलेमस है, आप समझ लो, ठीक। इस हाइपोथैलेमस से अटैच एक छोटी सी, कह सकते हैं कि इस तरह की एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। सो आपका जो हाइपोथैलेमस है वो ही सबसे पहले स्टार्ट कर रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जब एक्टिवेट हो रही है तो वो एक तरह का हार्मोन रिलीज कर रही है, डेट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, ये एक तरह का सेक्स हार्मोन होता है जो कि मेल के स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो लाइडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस को एक्टिवेट करता है। लाइडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है, यहाँ पे देख लो, टेस्टिस आप जानते हो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है, अगर उसको कट करते हैं तो उसके अंदर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्हीं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही स्पर्म बनते हैं। अभी इन्हीं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के आसपास के जो सेल्स हैं उनको हैं हम लाइडिक सेल्स बोलते हैं। वो लाइडिक सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो वो इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को एक्टिवेट करते हैं। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये अपने आप को DHT में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका फुल फॉर्म है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, DTH का फुल फॉर्म, DHT का फुल फॉर्म है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये एक तरह का हार्मोन है जो कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और प्रोस्टेट ग्लैंड आगे का काम करता है। आप समझ गए, मतलब सिर्फ इतना है कि लाइडिक सेल्स क्या कर रहे थे, वहां तक समझ में आ गया, वो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को एक्टिवेट कर रहे थे। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये स्पर्म बनेंगे तो ये बाहर भी आएंगे, तो जब ये अपने पाथवे से बाहर आएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको पेनिस के रास्ते के थ्रू बाहर आते हुए दिखेंगे। लेकिन ये तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड इसके अंदर एक वाटरी फ्लूड ऐड नहीं करेगी, और उस वाटरी फ्लूड को हम सीमेन बोलते हैं। समझ गए, यहाँ से यहाँ देखो टेस्टिस था, यहाँ से जितना भी स्पर्म बाहर आ रहे हैं ठीक वो यहाँ तक आएंगे, फिर आपकी ये प्रोस्टेट ग्लैंड उसके अंदर लिक्विड ऐड करेगी जिसे हम सीमेन बोलते हैं, और लिक्विड ऐड करने के बाद फ्लो के साथ वो पेनिस से बाहर निकल जाएंगे। तो ये ऐसे काम चलता है आपके अंदर। अब
ये तो था नॉर्मल मैकेनिज्म, प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है वो यहाँ पे देखते हैं। देखो बीपीएच के केस में क्या होता है, एज के साथ साथ प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। जिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपके स्पर्म बन रहे थे वो डिक्रीज होने लगता है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन वो इंक्रीज होने लगता है। स्टडीज़ के बेसिस पे ये पता चल चुका है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब मेल में डिक्रीज हो जाएगा तो ईस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों ही हार्मोन एक दूसरे को मैनेज करते हुए चलते हैं, दोनों ही एक बराबर रहते हैं और एक बैलेंस बना के चलते हैं। तो जब टेस्टोस्टेरोन, जैसे सीसो आपने देखा है, एक वेट के इक्वल वेट के दो लोग अगर दोनों साइड बैठ जाएंगे तो सीसो इक्वल रहेगा, और कोई भी अगर ज़्यादा वेट वाला होगा तो सीसो क्या हो जाएगा, उसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जब टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन इक्वल वेट के थे, जब टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो गया तो ईस्ट्रोजन जो है उसका पल्ला भारी हो गया, वो इंक्रीज होने लगा। और ईस्ट्रोजन के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ कर सकता है, करता है। इसी वजह से फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो जाता है अगर ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाए तो। तो ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होने लगा, जिसकी वजह से जो इनर ट्रांजिशनल जोन था, मैंने आपको इनर जोन बताया था, उसके अंदर के सेल्स क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे। उनका जब साइज इंक्रीज होने लगा तो उसने क्या किया, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड को इंक्रीज कर दिया, और यहाँ पे बीपीएच की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आई थिंक आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एज की वजह से टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बिगड़ गया है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन इंक्रीज हो गया है, और ईस्ट्रोजन के अंदर ये भी एक तरह का हार्मोन है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स करा सके। तो इनर जोन का जो सेल्स हैं वो अपने आप ही ग्रोथ करने लगे और साइज एबनॉर्मली बढ़ गया और बीपीएच की प्रॉब्लम आ गई। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये एक तरह की कंडीशन है जो कि डे बाय डे प्रोग्रेस होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है कंटिन्यूस, ठीक है, जिसकी वजह से एनलार्जमेंट हो रहा है किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड का। और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि साइज बढ़ते बढ़ते आपका यूरिनरी ब्लैडर कंप्रेस हो रहा है और अंदर का यूरिन जो है वो अंदर ही बंद हो रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि एग्जैक्ट जो कॉज है वो अभी तक पता नहीं चला है बीपीएच का। तो रिस्क के अकॉर्डिंग यही सारे हार्मोनल चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एज ओवर 50, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 50 से 70 लोगों के बीच में जो है हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी, अगर टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी हो गई, मान लीजिए देखो टेस्टोस्टेरोन ब्रेन से निकलता है, अगर मान लो ब्रेन इंजरी हो गई या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, या आपके टेस्टिस जो स्क्रॉटम है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो आपका टेस्टोस्टेरोन सफिशिएंट नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, ईस्ट्रोजन लेवल अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा और बीपीएच की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करती है। मान लीजिए जीन आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम थी और सेम जीन आपके अंदर भी आ गए, आएंगे ऑब्वियसली, फादर की जीन मदर की जीन आपके अंदर आएंगे ही आएंगे, और आपको ये आपके फादर को या उनके फादर को ये प्रॉब्लम हुई थी तो ये प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि वो जीन जो आपके फादर के अंदर इस चीज़ को नहीं रोक पाए वो आपके अंदर भी नहीं रोक पाएंगे, सेम जीन है, वीक जीन है आपके अंदर, ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है विटामिन B6 डिफिशियंसी। तो विटामिन B6 डिफिशियंसी की वजह से क्या हो रहा है कि अंदर जो हार्मोन का प्रोडक्शन है वो नहीं सही से हो पा रहा है। तो जिंक और विटामिन B6 की डिफिशियंसी की वजह से डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन होगा, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल, तो जब आप स्ट्रेस लेते हो तो आपके अंदर सारे हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी की वजह से एज ऑलवेज यहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो रहा है। जब टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और ईस्ट्रोजन अपने आप ही इंक्रीज होता रहेगा। ईस्ट्रोजन के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अंदर के साइज सेल्स के साइज को बढ़ा सके, तो इनर जोन के साइज को बढ़ा देगा, किसके, प्रोस्टेट के। उसके बाद क्या होगा, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट हो जाएगा और यूरिन फ्लो जो हो जाएगा वो हो जाएगा बैन या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो सबसे पहले क्या होगा, हेजिट्री इन दी स्टार्टिंग यूरिनेशन।
बार बार आपको यूरिन लगेगा कि आपको यूरिन पास करना है, फ्रीक्वेंसी आपको लगेगी, फीलिंग होगी कि यूरिन पास करना है, फिर आप जब यूरिन पास करने जाओगे तो आपको सफिशिएंट यूरिन आउट नहीं होगा, तो इसी वजह से आप हेजिटेट हो जाओगे ये काम करते करते, जिसकी वजह से आपको यूरिनेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आप हेजिटेट हो जाओगे। नेक्स्ट है इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। तो देखो यूरिनरी ब्लैडर में तो यूरिन सफिशिएंट भर गया है, अब करना क्या है आपको, जा करके पी करके पूरा यूरिन बाहर निकाल देना है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है ना कि आपके अंदर जो पाथवे है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से कम यूरिन बाहर आएगा। तो बार बार आपको लगेगा ना कि मुझे यूरिन पास करने जाना है, मेरा ब्लैडर फुल हो चुका है, तो बार बार आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, आपको ऑल द टाइम जब आपको फील होगा कि मुझे यूरिन पास करना है, यूरिन पास करना है, तो ना ही आप कंसंट्रेट कर पाओगे किसी चीज़ पे, ना ही आप कोई फिजिकल वर्क कर पाओगे, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट है अर्जेंसी। तो जैसे ही आप थोड़ा सा यूरिन पास करोगे, उसके बाद किडनी आपकी फिर से फिल्टर करेगी, फिर से थोड़ा यूरिन जैसे ही भरेगा आपके यूरिनरी ब्लैडर में, फिर आपको लगेगा कि मुझे अर्जेंटली जाना है यूरिन पास करने। क्यों? क्योंकि जब आप कंप्लीट ब्लैडर खाली करते हो तो ब्लैडर को भी फुल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक आप रिलीफ फील करते हो, ठीक है। यहाँ पे ब्लैडर मतलब पहले से ही थोड़ा यूरिन कंटेन कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा भी यूरिन किडनी फिल्टर करके उसके अंदर भेजेगी तो आपको फिर से अर्जेंसी होगी यूरिन पास करने के लिए। एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग, यानी कि एब्डोमिनल पे थोड़ा सा पेन भी हो सकता है आपको, अगर यूटीआई आपको हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपको पेन होगा। क्यों? क्योंकि जो यूरिन बाहर निकल जाना चाहिए था, क्योंकि यूरिन हमारे लिए बेनिफिशियल तो है नहीं, उसके अंदर जो है अननेसेसरी आपकी चीज़ें होती हैं, वो ब्लड को फिल्टर करके आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है वही यूरिन बनाता है, तो वो वेस्ट मटेरियल अगर आपके अंदर कंटिन्यूस रहेगा तो वो अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग मीन्स होता है कि आप फिजिकली इफर्ट्स डालोगे यूरिन बाहर निकालने के लिए, यूरिन पास करने के लिए, फिर भी यूरिन पास नहीं होगा। फिर आ जाते हैं डिक्रीज इन अ वॉल्यूम एंड द फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रेन। तो वॉल्यूम क्यों कम हो जाएगा, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आप यूरिन बाहर नहीं निकल पाओगे इसलिए वॉल्यूम कम हो जाएगा, फोर्स इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कम है, ऑब्वियसली वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स से चीज़ बाहर निकलेगी, और वॉल्यूम ही कम है तो वो इस तरह से कम फोर्स से बाहर निकलेगी। देन इंटरप्शन ऑफ द यूरिनरी स्ट्रीम, यूरिनरी स्ट्रीम यानी कि यूरिन बाहर निकालने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, अगर यूटीआई हो गया तो आपको बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है यूरिनेशन करने पे। ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग मीन्स होता है कि जब आपका कह सकते हैं कि कंप्लीट यूरिन बाहर नहीं निकलता है, कुछ ड्रॉप अंदर यूरेथ्रा में रह जाते हैं, तो पेनिस को थोड़ा सा मूव कराया जाता है जिसकी वजह से वो ड्रॉप निकल जाए, तो ये आप ड्रिबलिंग देखने को BPH के पेशेंट में ड्रिबलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि अभी मैंने सफिशिएंट यूरिनेट किया ही नहीं है, मेरा सफिशिएंट यूरिन बाहर निकला ही नहीं है, तो वो बार बार अपने पेनिस को क्या करेंगे, ड्रिबल करेंगे, यानी कि मूव करेंगे। नेक्स्ट है सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर। आपको खुद ही फील होगा कि मेरा ब्लैडर अभी फुल है, ऑब्वियसली वो निकल ही नहीं रहा है यूरिन, तो आपको फील होगा। नेक्स्ट एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन मीन्स होता है, रिटेंशन मीन्स होता है यूरिन अंदर रह जाना, स्टोर रहना, ठीक है। तो मोर देन 60 ml तक आपका यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रह सकता है, ये कंडीशन भी आ सकती है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको फैटीग, वीकनेस फील होगा, क्यों? क्योंकि आप ठीक से खा नहीं पाओगे, वाटर इनटेक आप ज़्यादा ले नहीं पाओगे, है ना, और इन्फेक्शन अगर आपको हो गया तो आपको एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगेगी। एक्चुअली होता क्या है कि आपका ब्रेन करता क्या है कि जब कहीं ना कहीं आपको इंजरी या इन्फेक्शन हो रहा होता है तो आपका ब्रेन सारा कंसंट्रेशन उस जगह पर लगा देता है, इस वजह से जो GI सिस्टम है, जो डाइजेशन है आपका, है ना, जो स्लीपिंग है आपकी, वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, ये नॉर्मल नॉमना है आपकी बॉडी का। नेक्स्ट है नोजिया वॉमिटिंग। तो जब आप ज्यादा खाओगे नहीं तो आपके अंदर का जो डाइजेशन है वो भी स्लो हो जाएगा, GI सिस्टम का फंक्शन भी स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको नोजिया वॉमिटिंग थोड़ा फील होगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं पैल्विक डिस्कम्फर्ट एंड पेन। देखो पैल्विक मीन्स होता है कमर की हड्डी, ठीक है। तो जब आपका इन्फेक्शन बढ़ेगा तो वो आपके बोन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लाइक आपको बोन में पेन भी होगा। तो सबसे क्लोज बोन तो आपकी पैल्विक बोन है, कमर की हड्डी है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पेन फील होगा। नेक्स्ट है आपका एजोटीमिया। एजोटीमिया मीन्स होता है अननेसेसरी वेस्ट मटीरियल का इंक्रीज हो जाना बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ब्लड के अंदर यूरिया और नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाना, ठीक है। तो यूरिया और नाइट्रोजन एक तरह के वेस्ट मटेरियल हैं जो कि यूरिन से कम्प्लीटली बाहर निकल जाते हैं, जो कि अब नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। और टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो किडनी है उसके अंदर आप टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से वो आपके रीनल यानी किडनी के सेल्स को डैमेज करने लगेंगे, जिसके कारण होगा क्या है कि किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ जब आपके आसपास के सेल्स में इंजरी होगी, जब आपके सेल्स टॉक्सिसिटी की वजह से रप्चर हो जाएंगे, तो उनके आसपास की ब्लड सप्लाई भी अफेक्ट होंगी और रप्चर हो जाएंगी। तो जब ब्लड सप्लाई टूट जाएगी, ब्लड सप्लाई मीन्स होता है कैपिलरीज की यहाँ पे बात चल रही है, जो पतली पतली वेंस होती हैं वो भी रप्चर हो जाएंगी, तो यूरिन के अंदर उनका ब्लड मिल जाएगा और यूरिन में ब्लड भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है। एज ऑलवेज हिस्ट्री कलेक्शन में आप प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री आप पूछ सकते हो कि क्या आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम थी। एज उनकी पूछोगे कि कितनी एज है उनकी, या कोई टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल डिफिशेंसी का कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे थे वो, या ईस्ट्रोजन का कोई ट्रीटमेंट, ईस्ट्रोजन की थेरेपी तो नहीं ले रहे थे वो, हो सकता है ले रहे हों, है ना। ज़्यादा ओवर स्ट्रेस तो नहीं लेते हैं, ये सारी चीज़ें पूछनी है आपको। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे पहले आप वाइटल साइंस चेक करोगे। सबसे पहले आपको टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आपको पल्स भी इंक्रीज मिलेगी। बाकी रेस्पिरेशन और बीपी में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे। फिर आपको हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है, जिसमें आपको फेस पे उसको पेलनेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा डल फेस मिलेगा, कन्फ्यूज मिलेगा पेशेंट, ये सारी चीज़ें आपको फेस में देखने को मिलेंगी। एब्डोमिन में आप देखोगे उनको पेन मिलेगा, वो आपको बताएंगे कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पैल्विक पेन हो रहा है, कमर की हड्डी में पेन हो रहा है। इसके साथ साथ वो आपको बताएंगे उन्हें भूख नहीं लग रही है, नौजिया, जी अजीब सा हो रहा है, वॉमिटिंग उनको फील हो रही है, ये सारी चीज़ें वो आपको कंप्लेन में बताएंगे। फिर आप जेनाइटल ऑर्गन देखोगे, तो जेनाइटल ऑर्गन में आपको यूरिन आउटपुट डिक्रीज मिलेगा। नॉर्मली हमारा जो यूरिन आउटपुट होता है वो 1200 से 1500 ml पर डे होता है। अगर ओलाइगो यूरिया यानी कि डिजीज कंडीशन में यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे हो जाता है, हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप समझ सकते हो कि अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी वो आपको बताएंगे, बार बार यूरिन पास करने की अर्ज होती है, बार बार मैं यूरिन पास करने जाता हूँ पर वॉल्यूम कम निकलता है और फ्लो भी कम होता है, ये सारी कंप्लेन वो आपको देंगे। साथ ही साथ में भी ये वो ये बोल सकते हैं कि ब्लड भी निकल रहा है यूरिन के अंदर, और साथ साथ पेन बहुत होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन। इसके बाद हमें क्या करना है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इसके अंदर हम अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, जिसमें हम प्रोस्टेट की अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे रेक्टल के तरफ से। तो रेक्टम की तरफ से जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो हमें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट देखने को आराम से मिल सकता है। यहाँ पे देखो ये रेक्टम है और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड आप आराम से करा सकते हो। नेक्स्ट है आपका यूरिन एनालिसिस। तो यूरिन एनालिसिस जब आप करोगे तो यूरिन का आउटपुट आप चेक करोगे, इनटेक आउटपुट चार्ट आप यूज़ करोगे, और आपको पता चल जाएगा कि पर डे नॉर्मली 1200 से 1500 ml पर डे यूरिन निकलना चाहिए था, वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है यूरिन बैग में। इसके साथ साथ ब्लड तो नहीं आ रहा है यूरिन में, ये भी आप चेक करोगे। सीटी स्कैन हम कराएंगे ये पता करने के लिए कि ये जो सेल्स हैं कहीं ऐसे तो नहीं कि ये कैंसरस सेल्स हों, कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका MRI। तो MRI से आप ये पता करा लोगे कि ये सेल्स एबनॉर्मल ग्रोथ इन सेल्स की कहाँ तक गई है, कितने डीप एरिया में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हुआ है। नेक्स्ट है आपका प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ये एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है,
इसमें प्रोस्टेट एंटीजन एक होता है जो कि ब्लड में अगर बहुत ज़्यादा एंटीजन मिल जाएंगे प्रोस्टेट एंटीजन, तो इसका मतलब ये होता है कि अंदर जो है अंदर जो है BPH के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि BPH के केस में ही प्रोस्टेट एंटीजन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यूरोफ्लोमेट्री। ये एक तरह का कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है, या एक तरह का कह सकते हैं कि किट होती है, जो यूरिन के वॉल्यूम, यूरिन के फ्लो को पता करने के लिए होता है। इसके अंदर पेशेंट पी करता है और ये पेशेंट के पी के जो फ्लो को और वॉल्यूम को, दोनों को मेज़र करके रीडिंग बताता है कि फ्लो हाई है कि लो है कि कितना है। मेज़र पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल यूरिन, वो हम यूरिन फ्लोमेट्री के थ्रू ही पोस्ट वॉइडल यानी कि यूरिन जो पास हो चुका है वो कैसा है, कितना है, किस हिसाब का है, ये हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिस्टो यूरेथ्रोस्कोप। तो यूरेथ्रोस्कोप को हम रेक्टल के अंदर डालते हैं इस तरह से, और कंप्लीट विजुलाइजेशन देखते हैं कि अंदर किस तरह की स्वेलिंग आई हुई है, कितनी स्वेलिंग आई हुई है, और ये प्रोसीजर अलाउ करता है जिससे कि हम कंप्लीट एग्जामिन कर सकें इनसाइड योर ब्लैडर एंड यूरेथ्रा ऑल्सो। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको क्या देना है, टेराजोसिन। टेराजोसिन मैंने पहले से ही लिख दिया है कि ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के जो मसल है उनको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगी। क्यों? क्योंकि स्वेलिंग आने के बाद जो है प्रोस्टेट ग्लैंड टाइट हो जाएगी, और टाइट होने की वजह से वो आपके यूरिनरी ब्लैडर का जो पाथवे है, जो यूरेथ्रा है, उसको क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, दबा देगी, जिसकी वजह से अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए क्या करना है, हमें स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना है, किसकी, प्रोस्टेट ग्लैंड की। इसके साथ साथ ये यूरिन पास करने में भी पेन को डिक्रीज करेगी। ऑब्वियसली जब रास्ता खुल जाएगा तो यूरिन पास करने में प्रॉब्लम कम होगी। नेक्स्ट है डॉक्सीजोसिन। सेम इसका भी फंक्शन है, ये इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करती है। जो ब्लड वेसल्स वहाँ पे फंस गई हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में फंस गई हैं, स्वेलिंग की वजह से बीच में दब गई हैं, उनको भी रिलैक्स करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका टैबलेट टैम्यूलोसिन। तो टैबलेट टैम्यूलोसिन भी BPH को कम करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है। ये भी एक अच्छी मेडिसिन है जो कि BPH को कम करने में बहुत हेल्प करती है। सेम प्रोसीजर एजोफ्यूजोसिन का भी है, फ्यूजोसिन, एल्फ्यूजोसिन का भी सेम प्रोसीजर है। ये एक ही क्लास की ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट है आपका फाइनेस्टराइड। ये क्या कर रही है, ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है सेल्स की, उनको श्रिंक करने में, उनको छोटा करने में, उनका साइज कम करने में हेल्प कर रही है। इसके साथ साथ अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर एक तरह की मेडिकेशन होती हैं जो कि प्रोस्टेट को श्रिंक करने में हेल्प करती हैं, और जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है उसको भी ठीक करने में, करेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो इसमें आपकी मेनली दो ड्रग आती हैं, फेनेस्टेराइड, ड्यूटेस्टेराइड। ये दोनों ही बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग होती हैं, 6 मंथ के लिए मेनली डॉक्टर्स इन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें ये प्रोस्टेट ग्लैंड की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको भी डिक्रीज करती हैं, और जो हार्मोनल चेंजेस जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है उनका भी लेवल मैनेज करती हैं। नेक्स्ट है टडालाफिन। टडालाफिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए होती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ साथ ये प्रोस्टेट ग्लैंड का भी अननेसेसरी ग्रोथ को डिक्रीज करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में देख लेते हैं, एक तो ये आपका TURP है, डेट इज ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ दी प्रोस्टेट। ट्रांस यूरेथ्रल मीन्स होता है यूरेथ्रा जो कि आपके पेनिस का रास्ता होता है, वहाँ से हम डालते हैं अंदर, और रिसेक्शन ऑफ दी प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड के एरिया को कट करके बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे देख लो, प्रोस्टेट ग्लैंड के एरिया को कट करके बाहर निकालते हैं। अब चाहे वो हाफ एरिया को कट करें, चाहे वो थोड़े एरिया को कट करके बाहर निकालें, जब प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा अपना साइज बढ़ा लेती है तो हमें उसका एरिया कट करना पड़ता है, ना कि टिश्यू बाहर निकालने पड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांस यूरेथ्रल इंसीशन ऑफ दी प्रोस्टेट। इंसीशन मीन्स होता है कट लगाना, तो कट तो हम थोड़ा सा लगाते हैं। रिसेक्शन मीन्स होता है दोबारा से चीज को
लाइक उसके साइज को मेंटेन करना, और इंसिशन मीन्स होता है कट लगाना। तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये हम तब करते हैं जब प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं आई होती है, तब हम कुछ टिश्यूज़ को जो अननेसेसरी टिश्यूज़ हैं जिन्होंने यूरिनरी ब्लैडर का पाथवे रोक रखा हुआ है, ब्लॉक कर रखा हुआ है, उन टिश्यूज़ को केवल हम इस वाली सर्जरी में हटाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो कैथेटराइजेशन आपको करना पड़ेगा, जिसकी वजह से, क्योंकि वो कितनी बार वॉशरूम जाएगा, ठीक, जिसकी वजह से आपको कैथेटराइजेशन की वजह से आपको ये भी पता चलता रहेगा कि कितना ज़्यादा लेवल यूरिन आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप कैथेटराइजेशन कर रहे हो तो आपको कैथेटराइजेशन की केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी उसको हाई चांसेस हैं यूरिन रिटेंशन की वजह से लाइक इन्फेक्शन होने के, तो यहाँ पे कैथेटराइजेशन में अगर आपने केयर नहीं करी तो इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा हाई हो जाएंगे। इन्फेक्शन के अर्ली मैनिफेस्टेशंस को चेक करना है, लाइक पहले से ही आपको चेक करना है कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं। कैसे चेक करोगे? साइन एंड सिम्टम्स आपको पता चलेंगे इन्फेक्शन अगर बढ़ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, उसको फीवर आएगा, उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन होगा, उसको बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा, ये सारे सिम्टम्स आपको चेक करते रहना है। जैसे ही ये सारे सिम्टम्स बढ़ने लगे आप समझ जाओ कि अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं। सर्जिकल प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर करना है अगर पेशेंट को नीड है तो, उसको सर्जरी की एक एक चीज़ बतानी है, कौन सी सर्जरी कराने जा रहे हैं वो बताना है, कितना ज़्यादा मनी उसमें लगेगा वो बताना है, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, किस तरह से प्रोसीजर होगा, रिस्क क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। मेडिकेशंस प्रोवाइड करनी है एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन। जो भी फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की हैं वो मेडिकेशन टाइमली आपको पेशेंट को प्रोवाइड करना है। हेल्थ एजुकेशन देनी है अबाउट द डाइट, आपको बताना है कि विटामिन B6 रिच फूड वो लें, जैसे कि चने हो गए, है ना, आपके बनानास हो गए, आपके ये बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप उनको दे सकते हो जिससे कि विटामिन B6 रिच फूड हो और आगे उनको दोबारा से वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फॉलो अप इंस्ट्रक्शन यानी फॉलो अप केयर आपको बोलनी है जब पेशेंट का सब कुछ हो जाएगा, जब वो डिस्चार्ज होने वाला होगा, तो उसको कब कब पेशेंट को डॉक्टर के पास आना है, क्या करना है, कैसे मिलना है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ दी BPH डिजीज़। तो प्रिवेंशन के लिए अर्ली डिटेक्शन बेस्ट है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपको जल्द से जल्द आना है डॉक्टर के पास। इवन आपको हर 6 महीने में कंप्लीट चेकअप अपना कराना है जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम, चाहे BPH हो या अदर कोई भी प्रॉब्लम हो, क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस के लिए देखो, कॉम्प्लिकेशन तब आएंगे जब ये प्रॉब्लम बहुत एक्सेसिव यानी कि क्रोनिक हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं ये आप अपनी मर्जी से भी सोच सकते हो। जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरा रहेगा, फिल रहेगा, तो किडनी पे भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब प्रॉब्लम सीवियर हो जाएगी तो किडनी के चांसेस इतने हाई हो जाएंगे कि किडनी फेल होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। UTI हो जाएगा, सबसे पहले देखो यूरिन रिटेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूरिन रिटेन हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से उसको UTI हो गया। UTI की वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर होने के हाई चांसेस हो गए। साथ ही साथ जब ये इन्फेक्शन से भर जाएगा तो ब्लैडर आपका डैमेज हो जाएगा। साथ ही साथ हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि किडनी में यूरिन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यूरिन भर जाएगा, किडनी भी स्वेल हो जाएगी। पाइलोनेफ्राइटिस, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन, पाइलोनेफ्राइटिस मीन्स होता है कि आपके जो नेफ्रॉन्स हैं उनके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो जाएगा, और रीनल पैल्विस में भी कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, डेट इज़ पाइलोनेफ्राइटिस। तो अल्टीमेटली आपको सेप्टिक शॉक भी हो सकता है और डेथ के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट BPH। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।